हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल लिविंग डीआरएक्स। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि सोहम मेडिटेशन यानी कि सोहम ध्यान क्या है, इसका अर्थ क्या होता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं और इस क्रिया को सही तरीके से कैसे करते हैं, उसे मैं खुद डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बताऊंगी। सोहम ये दो शब्दों से मिलके बना होता है, सो अहम। जब हम सांसों को भरते हैं तो सो नामक ध्वनि अपनी आप उत्पन्न होती है और जब हम सांसों को छोड़ते हैं तो हम नामक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसीलिए इस क्रिया को सो हम कहा जाता है। इसे अजपा अजपा भी बोलते हैं क्योंकि ये क्रिया ऑटोमेटिकली जब तक हम जीवित हैं हमारी श्वासों के रूप में ये क्रिया हमारी बॉडी में चलायमान रहती है। हम वाकिफ तो नहीं होते लेकिन ये श्वास लेना और छोड़ने की क्रिया होती रहती है, इसीलिए इसे अजपा अजपा भी बोलते हैं। ये जो सोहम क्रिया होती है इसे करते वक्त जब हम सांसों को भरते हैं तो सो नामक मंत्र का जप करते हैं और जब सांसों को छोड़ते हैं हम नामक मंत्र का जप करते हैं। सोहम का हिंदी अर्थ होता है मैं ही हूं। ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु या आप जिस भी गॉड को मानते हैं, उसने हमारे शरीर में एक बहुत ही अच्छा वरदान दिया है जो है हमारी श्वासों, हमारी प्राणवायु के रूप में जो विद्यमान है हमारे शरीर में, जिसका अर्थ होता है जब तक हमारे शरीर में श्वासें चल रही हैं परमात्मा एक अचेतन रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। यूं तो ये जो जप है ये बिना जाने अनजाने श्वासों के रूप में हम हर वक्त करते ही रहते हैं, लेकिन जब इसे ध्यानपूर्वक एकाग्र मन से हम इस मंत्र जप को करते हैं और सांसों पे ध्यान को केंद्रित करते हैं तो सही मायने में हम सोहम मेडिटेशन करते हैं और इसको करने के सहस्रों फायदे होते हैं। अगर आप इसे सही ढंग से करते हैं तो आपके मस्तिष्क के संबंधी समस्त विकार समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो जैसे भी विकार हो, चाहे वो कैसा भी मस्तिष्क संबंधी रोग हो, भग्नाशा हो, डिप्रेशन हो, चिंता, नेगेटिव यानी नकारात्मकता, डर या फिर कैसा भी आपको रोग है मस्तिष्क रिलेटेड, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस यानी आपका ध्यान केंद्रित होता है, आपका फोकस बढ़ता है और आपकी मेमोरी यानी या जो आपकी ब्रेन मेमोरी है वो भी शार्प होती है। इसके अलावा जिन लोग श्वास संबंधी रोगों से पीड़ित हैं जैसे कि एस्थमा, एलर्जी या फेफड़े संबंधी कोई भी रोग, क्योंकि इसमें डीप ब्रीदिंग करी जाती है यानी गहरी श्वासों को भर के उसमें ध्यान को केंद्रित करते हैं तो उस वजह से इसमें फेफड़ों का विस्तार होता है, साथ ही साथ हमारी नकारात्मकता भी जाती रहती है जिससे हमारी बॉडी की टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं और साथ में ही आपकी बॉडी में जो नाड़ी संस्थान है वो भी शोधित होता है, सभी चक्र जागृत होते हैं। जो लोग इस क्रिया का नियंत्रित अभ्यास करते हैं उनके थर्ड आई तक एक्टिव होती है और सातों चक्र जो हमारी बॉडी के होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो हर तरीके की जो भग्नाशा है, बंधन है, उससे मुक्त हो जाते हैं और एक सही मायने में एक सही सवेरे की तरफ अग्रसर होते हैं जिससे उनकी लाइफ में उजाला ही उजाला भर जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस क्रिया को कैसे करते हैं। सो जो लोग बिगिनर है और पहली बार इस क्रिया को कर रहे हैं वो इसको अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन मेरे वीडियो के साथ इसको कर सकते हैं, जिससे मैं उन्हें गाइड करूंगी कि आप अपनी श्वासों पे ध्यान को कैसे केंद्रित करें। सो चलिए जानते हैं कि कैसे करते हैं सोहम। सोहम ध्यान करने से पहले जगह पे आसन बैठा के अच्छे से बैठ जाएं, कमर सीधी करें, मेरुदंड सीधा और ध्यान मुद्रा लगाएं और अपने मन को एकाग्र करके अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करने का
प्रयास करें। पहले कुछ मिनटों में हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। जब हम सांस भरेंगे तो 100 मंत्र का मन में जप करेंगे, और जब हम सांसों को छोड़ेंगे तब हम मंत्र का मन में जप करेंगे। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। इस प्रक्रिया को करते वक्त जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें दृष्टा बनके देखते रहें, उनसे विचलित ना होते हुए अपने मन को, अपनी सांसों पे, अपने श्वास की धारा पे एकाग्रित रखें। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। ध्यान केंद्रित करते हुए आप देखेंगे कि शरीर से जो भी नकारात्मकता है वो बाहर जा रही है और सकारात्मकता भीतर आ रही है। इसी तरह सांसों में ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे आप परमात्मा से कनेक्ट हो सकेंगे। ध्यान को केंद्रित करते रहें। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। अब हम गहरी सांसें लेंगे, मन को एकाग्र करते हुए गहरी सांस लेना शुरू करेंगे। सो हम, 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 सो हम। ये ध्यान रखेंगे कि सो मंत्र पे सांसों को भरेंगे और हम पे छोड़ेंगे। जो भी विचार आ जा रहे हैं आपके मन में उसे आने जाने देंगे, उनसे बिना विचलित हुए उन्हें मूक दृष्टा की भांति देखेंगे और क्रिया को निरंतर करते रहेंगे।
क्रिया से पहले अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो इसका लाभ दुगना हो जाता है। सो हम 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 सो हम। इसी प्रकार क्रिया को करते रहेंगे। अगर बीच में थक जाएं तो बीच में थोड़ा विश्राम कर सकते हैं और वापस क्रिया को निरंतर चालू कर सकते हैं। शुरुआत में ये क्रिया 15 से 20 मिनट करते हैं, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाते हैं और 30 मिनट तक इसे किया जा सकता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ध्यान आपकी सांसों के परस्पर होता जाएगा और आप आनंद का अनुभव करेंगे। आपकी सोल आपके जो भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर देने लगेगी और आप एक अलग ही कनेक्शन का अनुभव करेंगे। सो हम सो हम सो हम सो सो हम सो हम। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव को बनाए रखेंगे और उसी मासूमियत के साथ क्रिया को निरंतर करते जाएंगे। सांसों के ध्यान को केंद्रित रखेंगे, विचारों के आने जाने से विचलित ना होते हुए सिर्फ और सिर्फ श्वासों पे ध्यान रखेंगे। सो हम सो हम सांसों को नाभि चक्र तक भरेंगे और छोड़ेंगे। सभी नकारात्मकता को त्यागते हुए सांसों पे ध्यान केंद्रित करते रहेंगे। सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम। सांसों को लेते हुए अपने मन में नाभि चक्र पर ध्यान को केंद्रित करेंगे और मंत्र का जाप निरंतर करते रहेंगे। सो हम सो हम सो आप देखेंगे कि शरीर में ऊर्जा समाहित हो रही है, मन प्रसन्नचित हो रहा है और सारी नकारात्मकता शरीर से दूर हो रही है, सारी विकृति सारी व्याधि नष्ट हो रही है और मन प्रसन्नचित हो रहा है। सो हम
जब थक जाएंगे क्रिया को समाप्त करते वक्त दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, आँखों को खोलेंगे और कुछ क्षण हाथों को आँखों पर रखेंगे और फिर धीरे से आसन से उठेंगे।